नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की मूलभूत चीज़ें हैं। इन तीनों के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन सबसे अधिक रोटी। अगर वो नहीं खाएंगे तो इंसान समय से पहले ही मर जाएगा। बनते बिगड़ते हालातों के बीच में कोई भूख से मर रहा है तो कोई दूषित भोजन से मर रहा है। लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। हर व्यक्ति को भोजन मिले, कोई भूखा न रहे, इसी उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर के देशों की सरकारें प्रतिबद्धता का दावा करती हैं और इसी उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया। पिछले ही साल यानी 2019 में शुरू हुई इस खाद्य दिवस की प्रासंगिकता इन दिनों बढ़ गई है। कारण कि विश्व की एक बड़ी आबादी कोरोना संकट से प्रभावित है और संकट के इस दौर में बहुत सारे लोग दो वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बता दें, इस साल दूसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस दिन को सेलिब्रेट करने के तौर पर हर साल एक थीम भी तैयार की जाती है। इस खाद्य दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य संतुलित और सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखना और जागरूकता फैलाना है। इसके अलावा खराब मानक वाले खाद्य के सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण मौतों का आंकड़ा कम करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दूषित खाद्य या बैक्टीरिया युक्त खाद्य से हर साल 10 में से एक व्यक्ति बीमार होता है। दुनिया भर की आबादी के मुताबिक देखा जाए तो ये आंकड़ा 60 करोड़ पार कर जाता है। दुनिया भर में विकसित और विकासशील देशों में हर साल भोजन और जल जनित बीमारी से करीब 30 लाख लोगों की मौत हो जाती है। आपको बता दें, भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तेजी से बढ़ते फूड चेन और व्यापार प्रतिस्पर्धा के बीच मानक और नियमों का सुरक्षित रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का औचित्य सुरक्षित और पौष्टिक भोजन का उपयोग कर जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।